हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जिससे आप अपने सफेद बालों की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना कर दें। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या रेमेडी है जिससे आप लगाकर अपने सफेद बालों की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। कि सबसे पहला कारण मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको कि हमारे बाल सफेद किस कारण से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे बालों में सफ़ेदी की प्रॉब्लम हो जाती है। नई कोशिकाओं के उगने से हेयर फॉलिसेल्स पुरानी कोशिकाओं को बाहर निकाल फेंकते हैं, यही बाल उगने की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया तीन चरणों को पूरा करती है जिसमें एनाजेन बढ़ना, कैटाजेन रुकना और टेलोजेन झड़ना शामिल है। टेलोजेन के बाद ही नए बाल उगने की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। बाल बढ़ने के साथ दौरान उन्हें पिगमेंट से रंग प्राप्त होता है। उम्र के साथ साथ बालों में पिगमेंट की मात्रा जो होती है वो कम होने लगती है और परिणाम स्वरूप हमारे बाल जो है वो सफ़ेद होने लगते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अनुवांशिकता क्या होती है। जैसे ये होती है जेनेटिक प्रॉब्लम, तो असमय बाल सफ़ेद होने का ये भी एक कारण है जिनसे आपको जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी आपके जो बाल हैं वो वाइट होने लगते हैं और प्रीमेच्योर ग्रेइंग होने लगती है आपके बालों में। और उम्र के किस पड़ाव में आकर आपके बालों में पिगमेंट की कमी होनी शुरू होगी ये भी इसी पर निर्भर करता है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है मेलानिन की कमी। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो अधिकांश जीवों में पाया जाता है। सही पोषण ना मिलने के कारण शरीर में इसकी कमी होने लगती है और फलस्वरूप हमारे बाल जो है वो सफ़ेद होने लगते हैं। चिकित्सीय स्थिति, थायराइड विटामिन B12 की कमी व पिट्यूटरी ग्रंथियों में समस्या आदि के कारण भी बालों में सफ़ेद होने के आसार जो है वो बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको एक और कारण बताने जा रही हूँ बालों में सफ़ेदी का, वो ये कि आपको कि अगर आप बालों में डाई या कलरिंग वगैरह अगर कुछ करवाते हैं या अगर कलर करवाते हैं, लाइक बालों में अगर डाई करते हैं बार बार और बार बार आप बालों में कलर करवाते हैं तो ये भी एक कारण होता है बालों में सफ़ेदी का। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से आपके बाल जो है असमय सफ़ेद होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है बादाम रोगन तेल। देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ रोगन बादाम शिरीन का जो बादाम ऑयल होता है ये ले रही हूँ। और आपको चाहिए एक लेमन, तो सबसे पहले आप एक क्लीन बाउल ले लीजिए और इसके अंदर मैं ये वाले 2 चम्मच बादाम रोगन का तेल डाल दूंगी। तो ये देखिए ये मैंने 2 चम्मच बादाम रोगन तेल इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें एक पूरा लेमन जो है स्क्वीज कर लूंगी। इसे मिक्स कर लीजिए, बीच में निकाल देती हूँ। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब मैं इसे अपने बालों में लगा लूंगी। बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए और जहां पर भी आपको सफेद बालों की प्रॉब्लम है तो आप इसे बालों में अच्छे से लगा लीजिए वहां पर। और अगर आपको सारे ही बाल आपके वाइट हो चुके हैं तब भी आप इसे अप्लाई कर लीजिए अच्छे से अपने बालों में और अपने स्कैल्प में। नींबू विटामिन बी, विटामिन सी, फास्फोरस से भरपूर होता है और साथ ही बालों के रोमों को नुकसान पहुंचने से भी बचाता है। नींबू का रस और बादाम का तेल दोनों बालों में मेलानिन बढ़ाते हैं और बालों को पोषण प्रदान करते हैं और बालों में चमक भी बढ़ाता है। और बालों की जड़ों में इस मिश्रण से मालिश करें और 3 घंटे के लिए इसे जड़ों में लगाकर छोड़ दें। फिर उसके बाद आपने पहले पानी इस्तेमाल करना है और फिर शैम्पू से अपने बालों को धोना है अच्छे से। और इस मिश्रण का प्रयोग आपने हफ्ते में 3 बार ज़रूर करना है। आप इसे हफ्ते में 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपकी सफ़ेद बालों की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अब इस ऑयल को लगा कर रखना है अपने 2 से 3 घंटे तक और इसके बाद मैं अपने घर के कुछ और काम निपटा लेती हूँ तब तक, और उसके बाद मैं अपने बालों को वॉश कर लूंगी अच्छे से शैम्पू से। तो जिस तरह से हम बालों को अपने बाहर धूप में खुला छोड़कर जाते हैं ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो जैसे हम अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लोशन को अप्लाई करते हैं वैसे ही हमें अपने बालों में भी सनस्क्रीन को लगाना चाहिए और बालों में हमें भर भर कर एलोवेरा जेल अच्छे से लगा लेना चाहिए और बालों को अच्छे से फिर कवर कर लेना चाहिए स्कार्फ या दुपट्टे से, उसके बाद ही हमें धूप में जाना चाहिए। सेकेंड मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ
खान पान की, तो हमें खाने पीने में ग्रीन वेजिटेबल्स और हर तरह का फ्रूट्स जो है खाना चाहिए और कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए। एक मुट्ठी बादाम हमें डेली में खाने चाहिए। तो ये थे मेरे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। तो ये थी मेरी आज की होम रेमेडी और कुछ यूजफुल टिप्स। आई होप कि आपको पसंद आए हों और आपके लिए ये हेल्पफुल रहे हों। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।